नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये उपाय बहुत ही यूनिक उपाय होने वाला है, जिसके जरिए आप किसी भी स्त्री का वशीकरण कर सकते हैं। गुरु माँ सरस्वती जी बहुत ही सिंपल से पर बहुत ही प्रमाणित किए हुए उपाय आपके पास लेकर आते हैं, जिनका उपयोग वो पहले भी कर चुके हैं और अपने इस्तेमाल किए हुए परखे हुए उपाय ही आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि ये आपके लिए करने में आसान रहे और आपको इसको करने में कोई भी परेशानी ना आ सके। आज के इस उपाय में आप स्त्री की पायल से एक अचूक वशीकरण कर सकते हैं, जिसके जरिए आप किसी भी औरत को जिसको आप पसंद करते हैं या फिर किसी से बदला लेना चाहते हैं और उस औरत को वश में करना चाहते हैं, इस उपाय के जरिए कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए जिस भी स्त्री को आपने वश में करना है, उसके पैर की पायल चाहिए होगी। आप इसको जोड़े में भी ले सकते हैं या फिर आप दाहिने पैर की पायल ले सकते हैं। इस पायल के ऊपर आपने थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और एक तिल के तेल का दिया जलाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद इस पायल को आपने अपने दाहिने हाथ में पकड़कर एक मंत्र का जाप करना है और उस औरत का नाम पुकारते हुए इसके ऊपर हल्की सी फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद इस पायल को आपने उस दिए के ऊपर से 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद 3 बार इस पायल को आपने छनका लेना है और छनकाने के बाद इस पायल को आपने अंधेरी जगह पर रख देना है, जहां पर किसी का भी हाथ ना आता हो, उसका हाथ वहां तक ना पहुंचता हो और कोई भी इस पायल को छू ना पाए। सिर्फ 3 दिन तक आपने इस पायल को वहां पर रखना है। इतना सा उपाय करने की देर होगी कि वो औरत आपके वश में आ जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वो कभी भी इस वशीकरण से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएगी। जैसे ही आप ये वशीकरण करते हैं, तुरंत इसके रिजल्ट मिलने आपको शुरू हो जाते हैं। इस उपाय को करते वक्त कुछ सावधानियों का ध्यान भी आपने रखना होता है, जैसे कि इस उपाय को करते वक्त जिस भी कमरे में बैठकर आपने उपाय करना है, उसकी कोई भी लाइट आपने जगानी नहीं है। बिल्कुल अंधेरे कमरे में ही इस उपाय को आपने करना है। इस उपाय को करते वक्त कोई भी काला कपड़ा आपने नहीं पहनना है और जब भी आप सिंहासन पर बैठें, वो कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। बस इतना सा उपाय करने की देर है कि वो व्यक्ति, वो औरत हमेशा के लिए आपके वश में रहेगी। तो अगर आप इस उपाय के बारे में और जानकारी चाहते हैं या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है, तो बिना देर करते हुए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर कॉल करके आप गुरु माँ सरोज देवी जी से संपर्क कर सकते हैं। आप उन्हें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।